नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ राधेश्याम प्रजापत, आप देख रहे हैं राधेश्याम कोचिंग क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। इससे पहले हमने बोर सिद्धांत पढ़ा और बोर के तीन अभिग्रहित पढ़े, वहाँ से हमने तीन समीकरण बनाए। उन्हीं समीकरणों से आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। देखो, सबसे पहला समीकरण क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये समीकरण कैसे आया, बोर का प्रथम अभिग्रहित था। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है वो किसी वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या क्या है आर है और उसका वेग क्या है वी है, अगर गति कर रहा है उस पथ पर और उसका जो अभिकेंद्रीय बल है वो उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के कुलाम आकर्षण बल के बराबर होता है। ये बोर का पहला अभिग्रहित था, वहीं से ये समीकरण आया। अब देखो ये के जेड ई स्क्वायर कहाँ से आया, कुलाम आकर्षण बल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो के आर स्क्वायर सब ठीक है, अब जेड ई स्क्वायर कहाँ से आया, देखो नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है जेड, ठीक है, जेड इंटू ई। देखो आवेश नाभिक में क्या होता है, धनावेश, धनावेश पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि जो परमाणु होगा उसमें उतने प्रोटॉन होंगे तो उन प्रोटॉन से गुणा करके कुल आवेश निकलेगा, तो प्रोटॉन जितने होंगे वो जेड है और यहाँ पर ई जो आवेश है प्रोटॉन का और ये ई है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इस प्रकार ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा और ये के जेड ई स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है समीकरण फर्स्ट। अब देखो बोर का सेकंड जो अभिग्रहित था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्स वेग होता है एम वी आर इजिकल होता है एन एच अपॉन टू पल, ये था बोर का सेकंड अभिग्रहित, वहाँ से ये समीकरण आया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, यहाँ से इस समीकरण से v का मान निकालना है, ठीक है। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई और m और r को इधर भाग में चले जाएंगे, ठीक है। तो यह आ गया वी का मान। अब क्या करना है, इस वी के मान को हमको इस पहले समीकरण में पुट कर देना है। तो पुट कर लो, देखो एम वी स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, एन एच अपॉन टू पाई एम आर का स्क्वायर अपॉन अपॉन आर, ठीक है। इजिकल टू क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो एक आर से यार कट जाएगा, तो यहाँ पे आर है वो कट जाएगा, इसकी एक और कट जाएगी, यहाँ आर रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इजिकल टू ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर वाई स्क्वायर एम आर इजिकल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इतना सॉल्व कर दिया हमने। अब देखो हमको क्या ज्ञात करना, आर यहाँ पर देखो ये आर पड़ा है, ठीक है। अब इसको आर आर ज्ञात करने के लिए देखो ये हो जाएगा इसके बटा एक मान लेते हैं, ठीक है, ये इससे और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर एम, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा इसका। अब देखो आर ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगी। देखो ये आर पड़ा है, यहाँ पर आर ज्ञात करना है, आर इजिकल क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर एम, हो गया। देखो आर बराबर ये आ गया इतना। अब देखो अब इतना मान है तो इसमें क्या, देखो एच कॉन्स्टेंट है, एच बराबर प्लांक दिया था, हैच कॉन्स्टेंट है और के भी कॉन्स्टेंट है, जेड कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट सॉरी जेड कॉन्स्टेंट नहीं ई कॉन्स्टेंट और फोर पाई स्क्वायर एम भी कॉन्स्टेंट और यहाँ पर एन कॉन्स्टेंट नहीं है। तो कॉन्स्टेंट को हम एक क्या पूरा नियतांक मान लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट जो जो राशि कॉन्स्टेंट है उसका पूरा एक नियतांक मान लेते हैं। तो देखो आर इजिकल हो जाएगा, इस पूरे को हम नियतांक दे देते हैं आर नॉट, ठीक है, ये दे दिया हमने आर नॉट, ओके। अब यहाँ बस क्या गया एन स्क्वायर अपॉन जेड,
तो ये जो हमारी रेडिएशन है इलेक्ट्रॉन की वो होती है आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आती है बात आर नॉट का मान क्या होगा, तो पहले आपने नॉट कर लीजिए। तो चलो बात करते हैं आर नॉट के मान की। अब देखो आर नॉट की जो जो हमने राशि देखी उसमें जब हम सारों का मान रखेंगे प्लान नेता का ई का मान जो भी, जैसे कि आर नॉट हमारा क्या आया था, आर नॉट था, तो देखो जो आर नॉट था उसका देखो मान क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम ए जेड ई स्क्वायर, ये था इसका मान आर नॉट का। अब देखो इन सबका जो मान रखेंगे, जैसे कि देखो आर नॉट इज इक्वल टू ये देखो एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये सारी चीज है ये क्या है पूरी कॉन्स्टेंट है, ये एक नियतांक है। जब हम एच का फोर पाई एम के और ई इन सब का मान रखेंगे तब हमें जो ये नियतांक का जो मान मिलेगा वो क्या होगा, देखो वो होगा आर नॉट इज इक्वल टू ये इसका मान होगा जीरो पॉइंट देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में जब हम इसका मान देखते हैं तो क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर हमको पिकोमीटर में चाहिए इसका मान तो क्या होगा, देखो जो नियतांक है इसको हम बोल देते हैं ए नॉट, नियतांक बोलेंगे ए नॉट, ठीक है। तो ये था ए नॉट का मान एंगस्ट्रॉम में। अब देखो पिकोमीटर में पूछे तो ये हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर, क्या होगा 52.9 पिकोमीटर इसका मान हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको 53 पिकोमीटर भी लिख सकते हो, वो पहले लिख रखा है 53 पिकोमीटर क्योंकि 52.9 है, तो इसको जब अंकों का गुणनफल होता है तो 53 पिकोमीटर हम लिख सकते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या। अब देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या होगी वो आर समानुपाती होगी इसके, देखो एन स्क्वायर अपॉन जेड है तो आर समानुपाती है एन स्क्वायर के और आर व्युत्क्रमानुपाती होगी जेड के, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर अपॉन जेड और आर नॉट, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ए नॉट का मान ये रहा और एन स्क्वायर अपॉन जेड। जैसे कि माना अगर आर इज इक्वल टू ए नॉट, अगर एन हमारा एक है, माना अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं तो जेड क्या होगा एक हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, लिख लेना हमें फोर फोर एच एटम हाइड्रोजन एटम के लिए जेड हो जाएगा वन, तो जो है त्रिज्या है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होगी, आर जी समानुपाती होगी एन स्क्वायर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए आर है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होती है और अन्य परमाणु के लिए आर है वो एन स्क्वायर अपॉन जेड के समानुपाती होती है, ठीक है। ए नॉट यहाँ पर नियतांक है जिसका मान 52.9 पिकोमीटर या 53 पिकोमीटर या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे से आकर शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।